हेलो दोस्तों, तो चलिए अभी एनसीईआरटी माइंड मैप के सीरीज में बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। चलिए इसका डिटेल्स स्टडी करते हैं और साथ में क्वेश्चन भी करेंगे। तो जो सबसे पहली बात आती है फ्लावर्स, यानी कि यह एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है एंगियोस्पर्म का। यानी फर्स्ट पॉइंट हम ये कहेंगे कि फ्लावर इज अ मॉडिफाइड सूट, ऑफकोर्स फ्लावर सूट से ही मॉडिफाइड होता है, विच शो फेवरेबल एडेप्टेशन फॉर रिप्रोडक्शन थ्रू अ स्पेशल मेथड। और इसके लिए हमें स्पेशल मेथड की ज़रूरत पड़ती है। फ्लावर कंसिस्ट ऑफ कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। यानी फ्लावर के ये चार पार्ट देखने को मिलेगा, कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। इसके बाद जो फ्लावर है वो मॉर्फोलॉजिकली और एम्ब्रियोलॉजिकली स्ट्रक्चर जो होता है एंड आर द साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर हम इस फ्लावर को देखें तो यहाँ पे ये ओवरी होगा, ये सेपल होगा, ये फिलामेंट है, ये पेटल है जो कलरफुल होता है, ये एंथर है जो बायलोब्ड होता है, यानी इसे हम डायथियस कहेंगे, ये स्टिग्मा है जो क्या होता है यहाँ पे पोलन ग्रीन आता है। ओके, तो ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म भी इसे कहते हैं। और ये स्टिग्मा और ओवरी को जोड़ने वाले को हम क्या कहेंगे, एसटीएल कहते हैं। इसके बाद आपको ये अगर हम आगे देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है, जो नीट एग्जाम में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको देखने को मिलेगा, यानी आपके मार्क को क्या करेगा, बूस्ट करेगा नीट एग्जाम्स में। तो देखिए, मोनोकार्पिक प्लांट्स मतलब द प्लांट इन विच फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग टेक्स प्लेस ओनली वंस इन द होल लाइफ स्पेन। यानी उसके लाइफ स्पेन में सिर्फ और सिर्फ एक बार फ्रूटिंग होती है और फ्लावरिंग होती है, तो इसको हम मोनोकार्पिंग कहेंगे। और इसका एग्जाम्पल एनुअल एंड बाइनल प्लांट कहलाता है। एनुअल एंड बाइनल प्लांट्स यानी बॉम्बो का, जिसे हम बांस भी कहते हैं, ठीक है, कॉमन नाम। इसके बाद अगर पॉलीकार्पिक फ्रूट के बारे में अगर बात करें, प्लांट्स के बारे में बात करें, तो द प्लांट्स इन विच फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग टेक्स प्लेस मेनी टाइम्स, मतलब थोड़ा लंबा समय के बाद वो बट फ्रूटिंग होती है, इंटायर उसकी लाइफ स्पेन, इसका एक लाइफ स्पेन होता है, तो इसे पॉलीट्रॉपिक कहते हैं, इसको पेरिनल प्लांट कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये पेरिनल प्लांट सब जो है आपको वो नीलकुरिंजी सब जो है ना, वो ये सब आ जाता है। एक्सेप्शन के रूप में अगर देखें तो बाम्बू प्लम्स बनाना, इसके बाद सेंचुरी प्लांट्स एगेविया जो अमेरिकाना है एंड पेरिनल प्लांट, बट दे आर एग्जाम्पल ऑफ मोनोकार्पिक प्लांट। ये सारा का सारा है मोनोकार्पिक प्लांट, तो इसे रिमेंबर कर लो, जो कि इससे अगर मोनोकार्पिक प्लांट के वैसे तो बाम्बू ही पूछेगा, बट अगर हो सकता है पॉल्म भी पूछ सकता है, बनाना भी पूछ सकता है, सेंचुरी प्लांट्स भी पूछ सकता है जो एगेविया अमेरिकाना है, जो पेरिनल भी पूछ सकता है जो हमने दिया है। तो दैट इज, ये सारा के सारा जो आपको प्लांट है ये मोनोकार्पिक प्लांट्स कहलाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसके बारे में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। यानी फर्टिलाइजेशन से जो पहले का इवेंट्स होगा उसे हम क्या कहेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहेंगे उसको हम क्या कहेंगे, तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। इसमें हमें एंड्रोसियम देखने को मिलेगा, यानी मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो कंसिस्ट ऑफ ओरल ऑफ स्टेमंस से बना होता है। और गाइनोसियम की अगर बात करें तो ये आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो कंसिस्ट ओवरी, स्टिग्मा और एसटीएल से बनकर बना होता है। आइए बात करते हैं स्टेमन जो माइक्रोफिल एंड पोलन ग्रीन के बारे में। तो जो सीमेन होता है, इस स्टेमन होता है वो दो पार्ट से मिलकर के बना होता है, एक आपको फिलामेंट और एक एंथर। जो फिलामेंट होता है वो एक लॉन्ग थिन और सिलेंडर स्टॉल्क होता है स्ट्रक्चर जो ज्वाइंट करता है स्टेमन और थर्मस को। इसके बाद जो हमें देखने को एंथर है, जो स्विलोन स्पोर है जो बियरिंग आपको स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। उसे एक माइंड मैप के थ्रू अगर हम देखें तो क्या हमें देखने को मिलेगा, माइंड मैप के रूप में अगर देखें तो हमें मिलता है कि एंथर जो है डायथियस होता है, यानी ईच लोब हैव टू थीका, यानी एक लोब में हमें दो थीका देखने को मिलेगा। उसके बाद बायलोब्ड यानी दो लोब्स देखने को मिलेगा।
और ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है, यानी फोर माइक्रोस्पोंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर्स टू इन ईच लोब, दो एक लोब में होगा राइट, और ये चार माइक्रोस्पोंजिया हमें देखने को मिलेगा। इस तरह से ये एंथर का डायग्राम है कुछ इस प्रकार से, जैसे कि एंथर बायलोब्ड हुआ और ये पोलून सिकस हो गया, पोलून ग्रीन हो गया, टेट्रागोनल ये स्ट्रक्चर हो गया। लाइन ऑफ डेंसेंस का मतलब क्या होगा, झरना, इसका मतलब ये पोलून ग्रीन जो झर रहा है वही झरना हो जाएगा, ठीक है। तो आइए, और ये पूरे पूरे एनसीईआरटी है, यानी एक टाइपिकल स्टेमन है, और ये थ्री डायमेंशनल कट सेक्शन आपको मैं बता ही दिया। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरिंजियम का, क्या स्ट्रक्चर है। तो द माइक्रोस्पोरिंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलून सिकस, ओके, और इज द एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंस ऑफ द एनथर एंड आर पैक्ड विद पोलून ग्रीन, से वो पैक्ड होता है। और ये माइक्रोस्पोरिंजियम जो इज सराउंडेड बाय फोर वाल, इसमें चार वाल हो गए, एक एपिडर्मिस, एक मिडिल लेयर, एक एंडोथेसियम और एक टैपिटम होगा, जैसा कि ये डायग्राम में दिख रहा है। बीच में कनेक्टिव है, ऊपर में एपिडर्मिस, फिर थेसियम, फिर स्पोरिंजियस होगा और फिर टिश्यू हमें देखने को मिलता है। इसके बाद जो हमें देखने को मिलता है यही एपिडर्मिस हो गया, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर, ये सर के सर फंक्शन इसका जो प्रोटेक्शन एंड हेल्प करता है डेंसेंस ओपन तक जो रिलीज द पोलन ग्रीप, और ये मदर सेल होगा मेगास्पोर मदर सेल। इसके बाद टैपिटम का जो फंक्शन है वो क्या है, नर्सेस डेवलपिंग पोलन ग्रीन, वो क्या करता है, नर्सेस डेवलपिंग पोलन ग्रीन है, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम इसी के बारे में अगर बात करें तो ये क्या था, तो यह एक ट्रांसवर्स सेक्शन है, क्या है, तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन है ऑफ यंग एंथर का, और जो ये इनलार्ज्ड व्यू है ये माइक्रोस्पोर, सो मैंने देखा। अब मैक्सिमम योर मार्क्स टू द सेल ऑफ द टैपिटम, यानी टैपिटम एक सेल जो पैसेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जेनरली हैव, क्या देखने को मिलेगा, तो मोर देन वन न्यूक्लियस, यानी कि टैपिटम में हमें जनरली क्या देखने को मिलता है, तो मोर देन वन न्यूक्लियस, यानी एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करेंगे पोलून सिकस की, तो ये जो पोलून सिकस है ये फोर पोलून सिकस आर प्रेजेंट होता है इन द एंथर, यानी एंथर में कितने पोलून सिकस प्रेजेंट होता है, तो एंथर में हमें चार पोलून सिकस देखने को मिलता है, यानी पोलून सिकस आर ऑल्सो नोन एज माइक्रोस्पोरिंजिया। पोलून सिकस को हम ऑल्सो क्या कह सकते हैं, माइक्रोस्पोरिंजिया कहते हैं, जो इनसाइड द पोलून सिकस के क्या होता है, अंदर होता है। माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्मेड बाय द मियोटिक डिवीजन ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल, मतलब समझ में आया कि देखो फॉर्मेड बाय द मियोटिक डिवीजन, ये जो है मियोटिक डिवीजन करेगा और माइक्रोस्पोर मदर सेल का क्या करता है, निर्माण करता है। इसके बाद ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, तो ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या कहता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ये कहता है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलून मदर सेल्स थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मतलब समझ में आया, मतलब सिंपल सा कहता है जो फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है माइक्रोस्पोर का पोलून मदर सेल से, वो किसके थ्रू, मियोसिस के थ्रू होता है और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बनता है, ओके। यहाँ पे जो स्पोरोजीनियस टिश्यू की बात करें तो ये जो एक ग्रुप है जो कॉम्पैक्टली अरेंज होता है होमोजीनियस सेल्स के थ्रू, जो कि कहाँ होता है, सेंटर में होता है, और पीछे माइक्रोस्पोरिंजियम में यंग एंथर में। तो यही था, अब हम इसको एक चार बॉक्स के रूप में हम इसे कवर करेंगे इस प्रोसेस को, ठीक है। ये पूरी की पूरी प्रोसेस कैसे, जैसे कि एक सेल ऑफ एक स्पोरोजीनियस टिश्यू है, इससे क्या आ रहा है, इससे एक माइक्रोस्पोर या फिर पोलून मदर सेल आ रहा है जो टू एन देखने को मिलता है, फिर इसका होगा मियोसिस और ये फोर माइक्रोस्पोर या फिर पोलून ग्रीन्स जो एन है वो बन जाएगा, क्योंकि मियोसिस हुआ तो आधा हो गया ही, फिर उसके बाद रिलीज विथ आपको ऑफ एंथर, डेहिसेंस ऑफ एंथर होगा, और फिर ये इस तरह से ये प्रोसेस चलता है। चलिए अब हम बात करने वाले हैं इस एक फुल पोलून ग्रीन को देखते हैं, ठीक है। तो एक पूरे पोलून ग्रीन को अगर हम देखें तो किस तरह से, ये एक मेल गेमेटोफाइट है,
उसकी अगर हम वायबिलिटी की बात करें तो अगर 30 मिनट्स तक पोलन ग्रीन वो जिंदा रहता है तो ये राइस में और वाइट में देखने को मिलता है, ठीक है। नंबर टू, अगर मंथ तक वो जिंदा रह गया तो कुछ मेंबर में जैसे कि रोसिकिया, लेगिमिनोज और सोलनिकिया में ऐसा देखने को मिलेगा। स्टोरेज की अगर हम बारे में बात करें, किसके बारे में, स्टोरेज के बारे में अगर बात करें तो स्टोरेज करने के लिए इसको मेनी ईयर्स -196 डिग्री सेल्सियस पे हम लिक्विड नाइट्रोजन में उसे रख सकते हैं और ये कैन बी यूज एज ए पोलन बैंक्स इन ए क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में, ये सारे के सारा चीज़ होता है। वॉल ऑफ पोलन ग्रीन की अगर बात करें तो ये एक जीन होगा जो आउटर लेयर होता है, थिक होता है, हार्ड होता है, रिज होता है, जो मेड ऑफ एस्प्रोपोलिन का बना होता है, जो मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जिसे कोई भी एंजाइम ख़त्म नहीं कर सकता। इनर लेयर को एंटाइन कहते हैं, जो थीन होता है, कॉन्टीन्यूस लेयर होता है, ये डिसकॉन्टीन्यूस था, ये कॉन्टीन्यूस लेयर हो जो मेड ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टीन का बना होता है। इसके बाद हम डिहेशन के बारे में बात करेंगे तो एट अगर टू सेलर स्टेज है तो ये 60% एंगियोस्पर्म में देखने को मिलेगा, थ्री स्टेज जो सेलर स्टेज रिमेनिंग यानी 40% में देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करेंगे किस चीज़ की, तो मैच्योर पोलन ग्रीन की, किसके बारे में, किसकी बात करेंगे तो ये मैच्योर पोलन ग्रीन की, और जो कंटेन टू सेल होता है, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल, जो वेजिटेटिव सेल होता है वो बिगर होता है एंड हैज एविडेंट फुल रिजर्व रखता है, जो लार्ज ई रेगुलरली शेप्ड का इसमें न्यूक्लियस होगा। ध्यान रखो वेजिटेटिव सेल में हमें ई रेगुलरली शेप्ड का न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, बड़ा होगा बट ई रेगुलर होगा। जेनेटिव सेल के बारे में अगर बात करें, स्मॉल होगा, फ्लैट इन द साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेगा, और वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में हमें जेनेटिव सेल देखने को मिलता है जो स्पेंडिबल स्पेंडल शेप का होगा, जो विथ डेंस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, देख एक न्यूक्लियस हमें देखने को मिलता है। आइए हम कुछ डायग्राम इसी का देखें। देखिए ये जो डायग्राम है ये, इसके बाद हमें यहाँ पे क्या होता है तो ये बन के आया हुआ है, ये सिमेट्रिक स्पिंडल है ना अंदर में बना हुआ, और यहाँ पे ये वैक्यूल हो गए बहुत सारे, एक न्यूक्लियस है यानी कि ये वेजिटेटिव सेल पूरा हो गया, उसके बीच में आपको क्या दिख रहा है जनरेटिव सेल, तो ये स्टेज है एक माइक्रोस्पोर मैच्योरिंग इन पोलन ग्रीन का। ओके तो आपको मैं तो आपको ये दिख गया। अब चलिए हम बात करेंगे किस ठीक है, तो अपन अब बात करने वाले हैं पोलन ग्रीन की। तो पोलन ग्रीन जो है का क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, तो जो पोलन ग्रीन का जो एडवांटेज है वो रिच न्यूट्रिएंट्स होता है पोलन ग्रीन, जिसका यूज होता है फूड सप्लीमेंट के रूप में भी पोलन का, और ये इंक्रीज करता है परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्स को, ये उसका पोलन ग्रीन का एडवांटेज होता है। तो जिसके कुछ एडवांटेज है तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी देखने को मिलेगा। तो जो डिसएडवांटेज हमें देखने को मिलता है वो किसी एलर्जी पैदा करता है, ब्रॉन्जिल एफिनिटी एंड दे आर ऑफ द क्रॉनिंग यानी कि रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर भी होता है इस वजह से, और यानी पेरेंथियम जिसे कैरेट ग्रास भी कहते हैं कॉमन है, वो कैन इन इंडिया में इसको लाया गया जो कॉन्टिनेंट विद ए इम्पोर्टेड वेट केसेज पोलन एलर्जी पैदा करता है। तो ये सारा इसका डिसएडवांटेज है। इसके बाद एनसीईआरटी ये फिलअप कर लेना अपना, ओके। और इसके बाद आ जाओ द फ्री यूनिट ऑफ गैनोसियम इजकल पेस्टियल या कार्पल कहते हैं, ओके। और यहाँ पे इस गैनोसियम यानी जो पेस्टियल जो कहते हो उसे चार्ट के थ्रू हम देख लेंगे। इसमें हमें एसटीएल देखने थे जो एलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट होता है जो बिंथ करता है द स्टिग्मा को, जो स्टिग्मा होता है एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, पोलन पहले ही बता चुका हूँ। ओवरी जो होता है एक बेसल पार्ट होता है जो इनसाइड द ओवरी इज द ओवरियन कैविटी जिसे लोक्यूल यानी ओव्यूल होता है ओवरी के अंदर। इसके गैनोसियम में दो, एक मोनोकार्पोलरी एक मल्टीकार्पोलरी देखने को मिलेगा। मोनोकार्पोलरी कंसिस्ट सिंगल पेस्टियल होगा, मल्टीकल में है मोर देन वन पेस्टियल होगा, जो साइनोकार्पस होगा तो पेस्टियल आर फ्यूज होगा, अगर एपोकार्पस है तो पेस्टियल क्या देखने को मिलेगा फ्री देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं किस चीज़ की, तो मेगा स्पोरोजेनेसिस के यानी द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम द मेगा स्पोर मदर सेल को हम मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं, और अगर द ओव्यूल या ओव्यूल को ही मेगास्पोरिंजियम भी कहते हैं।
तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये एक रिज्ड या फिर स्टिक लाइक ऑटो ग्रोथ फॉर्मेड फ्रॉम द आपको प्लेसेंटा करता है ऑफ द ओवरी ऑन विच बॉडी ऑफ ओव्यूल और क्या होगा प्रेजेंट होगा। ईच ओव्यूल अटैच होता है किसी से प्लेसेंटा से बाय मींस ऑफ ए थिन एंड कॉल द फेनिकल कहलाता है यानी द पॉइंट अटैचमेंट जो फेनिकल का है विद ओव्यूल के साथ वो कहाँ पे होगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हीलियम और एक बार इस बार भी आया हुआ था। चलिए मार्क को मैक्सिमाइज करें तो हीलियम रिप्रेजेंट करता है जंक्शन ओव्यूल एंड फेनिकल। देखो फिर से आपको हाईलाइट कर दिया क्यों क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखेंगे एक प्लेस फ्रॉम हियर ए फेनिकल एंड इंटीजमेंट राइज होता है कॉल क्लेजा जो बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल का जो होता है बेसल पार्ट होता है क्लेजा। इंटीजमेंट के बारे में बात करें एक प्रोटेक्टिव इवॉल्व है किस चीज का ओव्यूल का यानी कि ये क्या है इनसर्कल द न्यूक्लियस नेचुरस एक्सेप्ट एंड द टिप वेयर आपको ए स्मॉल ओपनिंग होगा जिसे हम माइक्रोफाइल कहते हैं जहाँ पे ऊपर एक जैन नहीं होता ठीक है। इसके बाद इंक्लूज विथ इन द इंटीजमेंट से इंक्लूज होगा मास ऑफ सील नेचुरस कहलाएगा सील ऑफ द नेचुरस हैव एविडेंट रिजर्व फूड मटेरियल देखने को मिलेगा और लोकेटेड इन द नेचुरस इज एम्ब्रियो सेक होगा जो फीमेल गैमेटोफाइट कहलाएगा हाँ और जो लोकेटेड होता है नेचुरस एम्ब्रियो सेक या फीमेल गैमेटोफाइट और एन ओव्यूल जनरली हैज ए सिंगल एम्ब्रियो सेक फॉर्मेट करेगा जो मेगास्पोर कहलाएगा। अगर हम फीमेल गैमेटोफाइट जिसे हम एम्ब्रियो सेक कहते हैं अब देखो जस्ट ख़त्म होने वाला है तो इससे हम कैसे करेंगे तो मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग जो प्लांट है वन ऑफ द मेगास्पोर जो फंक्शनल होता है जबकि द अदर जो होगा डिजेनरेट होता है यानी द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप होता है फीमेल गैमेटोफाइट में। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सेक जो फॉर्मेशन करता है हाँ फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर टर्म है जो मोनोस्पोरिक डेवलप यानी चार था उसमें से तीन डिजेनरेट हो गया और एक ही आपको फॉर्मेशन दैट इज ए मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहलाता है ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेक का जो फॉर्मेशन देखने को मिलता है यानी द नेचुरस ऑफ द जो भी फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइडेड होता है माइटोटिकली टू फ्रॉम टू न्यूक्लियाई विच मूव करता है टू अपोजिट पोल्स की वो जो फॉर्मेशन ऑफ टू न्यूक्लियेट एम्ब्रियो सेक कहलाएगा। द टू यानी कि टू मोर सिक्वेशनल जो माइटोटिक जो न्यूक्लियर डिवीजन होता है रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए फोर न्यूक्लियेट बनाएगा एंड लेटर एट न्यूक्लियेट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो सेक कहलाता है यानी द दिस डिवीजन आर आपको क्या स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर होगा दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलोड इमिडिएटली बाय द आपको क्या कहें सेल वॉल का फिर क्या देखने को मिलेगा फॉर्मेशन देखने को मिलता है। आफ्टर एट न्यूक्लियेट स्टेज सेल वॉल आर लीड डाउन लैंडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टाइपिकल फीमेल गैमेटोफाइट या फिर एम्ब्रियो सेक देखने को मिलेगा यानी ये क्लेजल एंड होगा जो एंटीपोरल सेल के पास पोलो न्यूक्लिया एक सेल है एक है सैंडविच भी देखने सैंडविच हमें सैंडविच होगा इसके बाद फिलिपोम एप्लेटस होगा और माइक्रोपोलर एंड होगा राइट ना यानी ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्या होगा तो मैच्योर एम्ब्रियो सेक होगा क्या कहलाता है तो ये मैच्योर एम्ब्रियो सेक होता है राइट। तो इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब सिंपल सी बात ये है कि सिक्स ऑफ द एट न्यूक्लियाई जो आर सराउंडेड बाय सेल वॉल एंड ऑर्गेनाइज इनटू सेल यानी रिमेनिंग टू न्यूक्लियाई जो है पोलर न्यूक्लियाई आर सिचुएटेड बिलो द एग एपरेटस इन द वो लार्ज सेंटर सेल यानी द ओव्यूल एट फर्स्ट राइज एज ए प्राइमोर्डियम ऑन द प्लेसेंटा कैविटी ऑफ द ओवरी कहलाता है यानी जो भी फंक्शनल मेगास्पोर हुआ ये फर्स्ट सेल हुआ जो फीमेल गैमेटोफाइट कहलाएगा। इसके बाद बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए सेल विद इन द एम्ब्रियो सेक की तो थ्री सेलर आर ग्रुप टुगेदर द माइक्रोपोलर एंड हुआ एंड कंसिस्ट ऑफ एग एपरेटस हुआ यानी द एग एपरेटस कंसिस्ट टू सैंडविच हुआ एंड वन एग सेल हुआ राइट जिसमें हमें देखने को मिलेगा कि द सैंडविच हैव अ स्पेशल सेलुलर थिकनिंग है एट द माइक्रोपोलर टिप का जिसे फिलिपोम एपरेटस कहते हैं और थ्री सेल जो है आर क्लेजल इंड का एंड आर कॉल्ड एंटीपोलर सेल द लार्ज सेंट्रल सेल हैज
टू पोलर न्यूक्लियाई भी हमें क्या होगा तो देखने को मिलता है। ओके, इसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, द ईग एपरेटस कंसिस्ट ऑफ ए टू सैंडविच एंड एन ईग सेल, यानी दिस मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ डेवलपमेंट जनरली अब रिपोर्ट टू एज पॉलीगोन गेनम टाइप होगा, यानी मैक्सिमाइज योर मार्क क्या होगा, फ्लिप एपरेटस हेल्प करता है गाइड द पोलून ट्यूब इन टू द सैंडविच, ये टाइपिकल मैच्योर एंगियोस्पर्म एम्ब्रियोसिक में वेट न्यूक्लियेट सेवन सेल हमें देखने को मिलता है, वेट न्यूक्लियेट सेवन सेल। इसके बाद ये अपना क्या कर लेना, एनसीईआरटी से फुलफिल कर लेना, दिस इज ए माइंड चेकअप। ओके, इसके बाद पोलिनेशन के बारे में अगर बात करें तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एंड डिपोजिशन ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू ए स्टिग्मा सरफेस ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पोलिनेशन कहलाता है, यानी इट इज एक एसेंशियल इवेंट से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो सीड बियरिंग प्लांट के लिए हो। तो देखिए देयर आर टू मेन टाइप है पोलिनेशन, जो सेल्फ पोलिनेशन होता है और क्रॉस पोलिनेशन देखने को मिलेगा। तो जो पोलिनेशन है वो अगर हम क्रॉस पोलिनेशन के बारे में बात करें तो ये एक्सिनोगेमी या ऑटोगेमी होता है, अलोगेमी जो फ्लावर डिफरेंट प्लांट होगा बट सेम स्पीसीज होगा, पोलून ग्रीन्स ट्रांसफर होगा एस्टिग्मा से फ्लावर अनदर प्लांट पे और जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा तो ये एक्सिनोगेमी में आ जाता है। जो सेल्फ पोलिनेशन की बात करेंगे यानी पोलून ग्रीन्स आर ट्रांसफर टू द एस्टिग्मा एंड द सेम फ्लावर एंथर एंड द फ्लावर सेम प्लांट भी होगा तो ये बाईसेक्सुअल आएगा, बाईसेक्सुअल में दो आ जाता है कि ऑटोगेमी जो सेम फ्लावर भी सेम होगा, यानी पोलून ग्रीन आर ट्रांसफर और टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, बट जियोटोगेमी में क्रॉस पोलिनेशन होगा, यानी डिफरेंट फ्लावर तो डिफरेंट होगा लेकिन प्लांट सेम होगा, यानी पोलून ग्रीन ट्रांसफर होगा टू एंथर फ्लावर अनदर फ्लावर बोर्न ऑन द प्लांट सेम होगा, तो इसे हम जियोटोगेमी के अंदर रखते हैं। सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है, तो जो सेल्फ पोलिनेशन है यानी इट इज द प्रोसेस ए ट्रांसफर ऑफ पोलून ग्रीन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा आइदर द सेम फ्लावर या फिर अनदर फ्लावर बोर्न ऑन द सेम प्लांट, तो ये सेल्फ पोलिनेशन कहलाता है। अगर ऑटोगेमी की बात करें तो एक क्लेस्टोगेमी होता है, एक कैस्मोगेमी होता है। जो क्लेस्टोगेमी होता है प्लांट रिमेन क्लोज होता है इंश्योर कंप्लीट सेल्फ पोलिनेशन, यानी इसमें 100% सेल्फ पोलिनेशन देखने को मिलेगा, यानी द फ्लावर आर स्मॉल होगा कलरलेस होगा एंड डू नॉट सेक्रेट नेक्टर, की सेक्रेट करने की कोई ज़रूरत ही भी नहीं है। और इसके एग्जांपल कॉमिलिना बैंगिलिनस और ऑक्जिलिज और विलिया होता है। जो कैस्मोगेमस फ्लावर होता है उसके बारे में अगर हम बात करें तो कैस्मोगेमस फ्लावर जो है क्या होता है, ये फ्लावर आर सिमिलर टू द फ्लावर हमें देखने को मिलेगा जो स्पीसीज विथ एक्सपोज करेगा एंथर एंड एस्टिग्मा पे। बर्ड पोलिनेशन की बात करें तो फ्लावर मैच्योर होगा बिफोर द ओपनिंग ऑफ द बर्ड्स टू इंश्योर सेल्फ पोलिनेशन, वाइट राइस सी और टीसी में होमोगेमी यानी मैच्योरेशन ऑफ एंथर एंड एस्टिग्मा ऑफ फ्लावर एट द सेम टाइम इज कॉल्ड द होमोगेमी कहलाएगा, जो एज ए रूल है होमोगेमी इज एसेंशियल फॉर आपको क्या कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन भी कहलाता है। यहाँ पे जो एडवांटेज है सेल्फ पोलिनेशन का वो है चांस ऑफ पोलिनेशन मोर, सेल्फ पोलिनेशन मेंटेन प्योरिटी ऑफ द रेस एंड अवॉइड मिक्सिंग को अवॉइड करता है, इट नीड टू नॉट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पोलिन ग्रीन की जरूरत नहीं होता है, और फ्लावर नीड नॉट पैस डिवाइस सच एज ए लार्ज एंड स्लो स्वीप पेटल्स पेशेंस ऑफ पेशेंट एंड नेक्टर टिश्यू टू अट्रैक्ट पोलिनेटर्स। डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पोलिनेशन का कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होगा, तो डिसएडवांटेज क्या है, तो डिसएडवांटेज है कि प्रोजनी कंटिन्यूशियली गेट वीकर होता है आफ्टर एवरी जनरेशन और लेस चांस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू स्पीसीज एंड वैराइटीज का, सेम वही होता रहता है, अगर वेरिएशन आएगा तभी तो नया नया वैराइटी के चांसेस होता है, तो ये ऑटोगेमी देखने को मिलेगा। एडेप्टेशन इन अ फ्लावर ऑफ पोलिनेशन, तो ये पोलिनेशन जो भी है बाय विंड या मोर कॉमन अमोंगेस्ट एबायोटिक पोलिनेशन का जो मोस्ट कॉमन है वो विंड होता है, और बोथ विंड एंड वाटर पोलिनेटेड फ्लावर जो है आर नॉट कलरफुल होगा डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, और इसीलिए उसको नेक्टर प्रोड्यूस करने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अगर हम बात करें टाइप ऑफ पोलिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ पोलिनेटिंग एजेंट के आधार पर,
तो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन जो होगा एक एबायोटिक एजेंट एक बायोटिक एजेंट। जो एबायोटिक एजेंट होता है वो आपको एनोफिली एनेमोफिली जो विंड होता है, हाइड्रोफिली जो वाटर होता है, जो एंटोमोफिली इंसेक्ट होगा और इंथोफिली बर्ड्स होगा जो बायोटिक में, और इसके बाद क्रोप्टोफिली बेट्स होगा और मैलेकोफिली आपको स्नेल्स होगा, इसके बाद मरायोफिली आपको एंट्स देखने को मिलता है। अगर हम विंड पॉलिनेशन के बारे में बात करें जिसे हम एनिमोफिली कहते हैं, तो ये पोलन ग्रीन इसमें जो होगा लाइट होगा, नॉन स्टिकी होगा, विंग्ड होगा, इजीली ट्रांसपोर्टेड होता है। स्टेमन की बात करें विल एक्सपोज होगा सो दैट आपको पोलन ग्रीन जो होगा आपको इजीली आपको क्या होगा डिसअपीयर्ड होता है। स्टिग्मा की बात करें लार्ज एंड फेदरी होता है, फ्लावर वन ओव्यूल होगा, अरेंज होगा एंड इनफ्लोरेसेंस एग्जांपल कॉर्न कैप कहलाता है। इसके बाद वाटर पोलिनेशन जो हाइड्रोफिली है उसके बारे में बात, ये ब्रायोफाइटा पेटिटोफाइटा और अलगा में देखने को मिलेगा। इसका जो पोलन ग्रीन है वो प्रोटेक्ट होता है मेसिलीजियस कवरिंग विच ब्रश वाटर प्लांट्स और वेल्सिनेरिया और हेट्रेला देखने को मिलेगा। सी ग्रास जोस्टेरा की बात करें प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रीन लार्ज नंबर में, डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, फीमेल फ्लावर रिमेन आपको क्या होगा समरेज होता है। ये हो गया। इसके बाद इसमें पोलन ग्रीन जो होगा लॉन्ग रिबन लाइक होता है और रिलीज करता है इनसाइड द वाटर के अंदर और केयर्ड बाय वाटर करेंट टू रिच आपको फ्लावर जाता है। इसके बाद वेल्सिनेरिया के बारे में अगर बात करें तो इसका जो फ्लावर है फीमेल फ्लावर रिच होता है वाटर सरफेस पे बाय लॉन्ग क्वाइल स्टिक के थ्रू। जो मेल फ्लावर है पोलन ग्रीन है वो रिलीज करता है वन टू द वाटर सरफेस केयर्ड बाय द वाटर करेंट सम आपको इवेंटली रिच होता है स्टिग्मा। इसके बाद अगर हम इंसेक्ट पोलिनेशन के बारे में बात करें तो इसमें फ्लावर लार्ज कलरफुल प्रेगमेंट रिच नेक्टर होता है, इसका पोलन ग्रीन आपको स्टिकी होगा स्टिग्मा आपको स्टिकी होगा। इसका सर्टेन रिवार्ड आपको टू पोलिनेटर्स की देखें तो नेक्टर होता है जो एडिबल पोलन ग्रीन एंड फूड होता है, प्रोवाइड करता है सेफ प्लेस ऑफ द लिंग एग्स एमोर्फोफिलस होगा और योक का होगा। ठीक है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं ऊपर वाला आपको कैस्मोगैमस फ्लावर, नीचे क्लेस्ट्रोम जो प्योरली क्या था ऑटोगैमस क्लेस्ट्रोम मिक्स मैच यूरमा यानी ऑल द जियोटोगेमी इज अ फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन ही होता है इन्वॉल्विंग द पोलिनेटिंग एजेंट जेनेटिकली चीज सिमिलर होगा ऑटोगेमी का पोलन ग्रीन अकाउंट ऑफ द सेम प्लांट में ही देखने को मिलता है। पोलिनेशन बाय वाटर इज अ क्यूट रियर होता है इन फ्लावरिंग प्लांट्स में एंड लिमिटेड इन अबाउट 30 जेंडर तक जाता है जो मोस्टली आपको क्या होगा मोनोकैटेलिनस में देखने को मिलता है। इसके बाद ये एनसीईआरटी जो है ये इसको फिलअप कर लेना। इसके बाद देखेंगे ऑड ब्रीडिंग डिवाइस, ऑड ब्रीडिंग डिवाइस का जो इस्तेमाल होता है ऑड ब्रीडिंग डिवाइस ये जो मैकेनिज्म है जो बीच और फ्लावर एडेप्टेड करता है प्लांट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट रोकता है सेल्फ पोलिनेशन को, ऑड ब्रीडिंग डिवाइस सेल्फ पोलिनेशन को रोकने का काम करता है यानी कि ये कोऑर्डिनेटेड सेल्फ पोलिनेशन रिजल्ट्स इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। इसके बाद अगर हम इसको एक डाटा के थ्रू अगर देखें तो क्या देखेंगे तो ये ऑड ब्रीडिंग डिवाइस जो है एंथर एंड स्टिग्मा प्लेस डिफरेंट पोजीशन पे होगा। इसके बाद पोलून रिलीज करता है एंड स्टिग्मा रिस्पेक्टिवली आर नॉट सैंडविच, पोलून जो होगा रिलीज होगा बिफोर द स्टिग्मा से पहले तो रिस्पेक्टिव तो ये भी है ऑड ब्रीडिंग डिवाइस। इसके बाद स्टिग्मा बिकम होगा रिस्पेक्टिव मच बिफोर द आपका रिलीज ऑफ पोलून तो ये आपको ऑड ब्रीडिंग डिवाइस में आ जाता है। इसके बाद प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर लाता है और सेल्फ इनकम्प्लीबिलिटी लाता है यानी प्रिवेंट सेल्फ पोलन फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल्स बाय इनहेबिटिंग पोलन जर्मिनेशन या पोलन ट्यूब आपको ग्रोथ इन अ पेस्टियल कहलाता है। क्या कहलाता है ग्रोथ इन अ पेस्टियल कहलाता है। इसके बाद मिक्स मैच और अगर मार्क की बात करें तो मोनोसियस प्लांट यानी बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर जो प्रेजेंट होता है सेम प्लांट पर जिसे कैस्टर मीजा तो मोनोसियस प्लांट कहलाता है। डायसियस प्लांट यानी मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होता है डिपेंड प्लांट पपाया दिस इज ए कंडीशन प्रिवेंट रोकता है ऑटोगेमी और जियोटोगेमी का। अगर हम पोलून पेस्टियल इंट्रेक्शन की अगर बात करें तो ये ऑल इवेंट्स ऑफ फोरम डिविजेशन ऑफ पोलून एंड स्टिग्मा टिल आपको द पोलून जो है क्या है ट्यूब इंटर करता है द ओव्यूल्स को दी जा रहा है द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कंपेटेबल पोलून होगा। इसके बाद जर्मिनेशन ऑफ पोलून ग्रीन होगा इसे डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट को जर्मिनेशन करेगा। आइए बात करते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का। इट इज वन ऑफ द मेजर अप्रोच ऑफ क्रॉप इंपोर्टेंट
इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम यानी द डिजायर पोलिन ग्रीन जो गाड़ी यूज होता है पोलिनेशन में एंड स्टिग्मा प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम अबका कंटेमिनेशन एंड दिस अचीव टू आपको टेक्निक्स होता है एक एमिस्कुलेशन एक बिंग एमिस्कुलेशन में अंतर को रिमूव करते हैं फ्लावर बर्ड से बिफोर डाइजेशन और बिगिंग में क्या होगा फ्लावर कवर कर देते हैं एक बैग मेड बटर से जो कि रोकता है कंटेमिनेशन ऑफ स्टिग्मा एंड अनवांटेड पोलन होगा बिगेड फ्लावर अटेंड करेगा रिस्पेक्टली यानी मैच्योर पोलन ग्रीन जो होगा डिस्टेटेड होगा ऑन द स्टिग्मा और फ्लावर रिबेक्ड होता है एंड फ्रूट आपको अलाउट करता है क्या चीज़ डेवलप करता है ठीक है। अब आ गए हम डबल फर्टिलाइजेशन पर यानी डबल फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है पिजन वन ऑफ द मेल गैमेट विद एग से लॉन्ग से विद यूनियन सेकेंड मेल गैमेट टू पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस मिक्समाइज योर मार्क क्या कहलाएगा यानी डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि इवेंट से फ्लावरिंग प्लांट से जो एंगियोस्पर्म है यानी सिंगेमी वन मेल गैमेट एक एग सेल तो जायगोट बनता है टू ट्रिपल फ्यूजन सेकेंड मेल गैमेट टू पोलर न्यूक्लियाई तो प्राइमरी एंडोस्पर्म एंड थ्री एन बनता है सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन मिलेंगे तो ये डबल फर्टिलाइजेशन हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो निकल के आएगा। इसके बाद ये फिल एनसीईआरटी फिल करना और आते हैं हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर पे एंड इवेंट्स पे यानी इवेंट्स एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट होना मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल का होना सीड बनना एम्ब्रियो से फ्रूट बनना कलेक्टिवली सारे के सारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है। एंडोस्पर्म यानी डेवलपमेंट एंडोस्पर्म टेक्स प्लेस बिफोर द एम्ब्रियो डेवलपमेंट प्राइमरी एंडोस्पर्म जो देखने को मिलेगा ड्यूटीज करता है रिपीटली टू फॉर्म ट्रिपुलॉइड इंडोस्पर्म द सील आर फिल्ड होगा विद रिजर्व फूड मटेरियल्स एंड आर आपको यूज होता है न्यूट्रिशन डेवलपिंग एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए प्राइमरी एम्ब्रियो न्यूक्लियर अंडरगो आपको सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन होगा जो टू गिव राइट टू आपको फ्री न्यूक्लियर होगा दिस इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म कहलाता है। क्या कहलाता है फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म यानी और इसमें हमें देखने को मिलेगा क्या चीज टू सब्सिक्वेंटली सेल वॉल का जो फॉर्मेशन होता है टेक्स प्लेस एंड बिकम सेलुलर इंडोस्पर्म एम्ब्रियो के बारे में अगर बात करें तो जायगोट फॉर्मेट करेगा प्लेस्ड एट द माइक्रोपोलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सेल जायगोट कॉल्ड द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल यानी जायगोट को हम क्या कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल भी कहते हैं यानी जायगोट स्टार्ट डेवलपमेंट ओनली आफ्टर सम अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्मेट करता है दिस इज एडेप्टेशन टू प्रोवाइड करता है इंश्योर न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो ओके मोनोकोट एम्ब्रियो एंड वर्सेस डाइकोट एम्ब्रियो के अगर बात करें तो हमें क्या देखने को मिलेगा हमें अगर डाइकोट एम्ब्रियो के बारे में बात करते हैं तो यानी ये जो डाइकोट एम्ब्रियो है कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू आपको कैटिलीडोन देखने को मिले यानी इसमें जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा ये अबव द कैटिलीडोन इधर इसे एपिकोटल कहते हैं और जो टर्मिनल पार्ट होता है एपिकोटल्स का जो प्लूमल गिप्स रहता है आपको सूट से आता है और जो एम्ब्रियोनल एक्सिस पे आता है ब्लू इसको आपको हाइपोकोटल कहते हैं हाइपोकोटल और जो एम्ब्रियोनल जो भी एक्सिस टर्मिनल पार्ट पे होगा ऑफ द हाइपोकोटल इसको रेडिकल कहते हैं जो रूट का टिप का होता है और द रूट टिप कवर किस से होता है रूट कैप से होता है ये तो सिंपल है जानते ही होगा ठीक है। चलो डायग्राम एनसीईआरटी का देख लो ये पोलोमल हो गया ये क्या टू लीडोन हो गया ये दोनों को कहेंगे और ये हाइपोकेटल यहाँ पे हो जाता है रेडिकल है रूट कैप होता है ये टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो का डायग्राम हमने देखा। आइए हम कुछ मोनोकोट एम्ब्रियो के बारे में जाने ये पैसेस ओनली वन कैटिलीडोन यानी ग्रास फैमिली आएगा कैटिलीडोन कॉल्ड एस्क्यूटलम होगा एस्क्यूटलम सिचुएटेड टूअर्ड द वन साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है जो रेडिकल एंड रूट कैप होगा बाय द सीथ कॉल द क्लोरिजा कहलाएगा द पोर्सन जो है प्रोपोर्सन ऑफ एम्ब्रियोनल जो एक्सिस अबव द लेवल ऑफ द अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटलम इज द एपिकोटल कहलाता है यानी एपिकोटल हैज अ शूट एपेक्स पोलोमल इंक्लूड बाय द होलो फ्लेयर स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे कोलोपेटल कहते हैं क्या कहते हैं कोलोपेटल कहते हैं यानी ये देखो स्क्यूटलम होगा ऊपर वाला नीचे बीच में कोलोपेटल है इसके शूट एपेक्स है एपिब्लास्ट है रेडिकल अभी हमें देखने को मिलता है रूट कैप क्लोरिजा है इसमें मिक्स मैजोर मार्क की बात करें तो दो कोकोनट वाटर ये फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म जो होगा जिसमें वाइट कर्नल है इसको सेलुलर इंडोस्पर्म कहेंगे। इसके बाद जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट करता है टेक्स्ट प्लेस फ्लोइंग आपको स्टेज जैसे जायगोट से आपको प्राइमरी प्रो एम्ब्रियो आएगा इससे ग्लोबुलर एम्ब्रियो आएगा उसके बाद हॉट शेप्ड एम्ब्रियो आएगा इसके बाद मैच्योर एम्ब्रियो हमें देखने को मिलेगा।
अगर हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज की अगर बात करें तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सेपल्स पेटल स्टेमस स्टील्स एंड स्टिग्मा यूजुअली विद आपको फॉल ऑफ होता है। क्या होता है तो फॉल ऑफ देखने को मिलेगा, यानी द कैलिक्स में प्रिस्टिस्ट होता है तो इसको टोमेटो ब्रिंजल में देखने में, इवन सो ग्रोथ हो रहा है तो ये फाइसल्स के रूप में हमें देखने को मिल जाएगा। आइए इस बॉक्स को ज़रा देखें तो ये प्री फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर को बताता है। प्री फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन से पहले ओवरी रहता है जो फ्रूट में कन्वर्ट होता है, ओवरी वाल आपको पेरिकार्प में ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है, फेनिकल स्टिक ऑफ द सीड में हीलियम हीलियम में ही रहता है, नेसलस पेरिस्पर्म में हो जाता है, ऑटेंटिजमेंट से टेस्टा सीड कोट हो जाता है, इनएंटिजमेंट से टेगमेंट सीड कोट हो जाता है, माइक्रोपाइल से माइक्रोपाइल बन जाता है। हाँ, और इसके बाद जो फर्टिलाइज ईग होता है वो एंडोस्पर्म में बदल जाता है, जो सेकेंडरी एंटीपोरोसिल होता है डीजनरेट हो जाता है, फर्टिलाइजेशन सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण होता है। ये एनसीईआरटी कवर कर लेना है, फिर बात करेंगे हम सीड के। सीड एक फाइनल प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, यानी सीड कंसिस्ट ऑफ ए सीड कोर कैटेजोन एंड एम्ब्रियोसिक एक्सिस हमें देखने को मिलता है। जहाँ तक बात करें तो इनोमीजा सीड स्क्यूटलम इज कंसिस्ट ऑफ ए कैटेजोन बिकॉज इट इज एब्जॉर्ब करता है फूड मटेरियल एंड सप्लाइज करता है देम द टू द एम्ब्रियो। इन लेगमेंट्स द कैटेलिडोन ऑफ द एम्ब्रियो आर आपको सिंपल स्ट्रक्चर जनरली थिक होगा, एंसिलन ट्यूब स्टोरेज होगा और फूड रिजर्व होगा। सीड जो होगा आपको कितने टाइप्स का देखने को मिलता है तो दो टाइप्स का, एक नॉन एल्बुमिनियस सीड जिसे हम एक्स एल्बुमिनियस सीड भी कहते हैं, एक एल्बुमिनियस सीड भी होता है। ये जो है आपको दिया है वह नो रेसिस्टेंट एंडोस्पर्म है जो इट इज कम्प्लीटली कंज्यूम्ड हो चुका होता है, जैसा कि पी ग्राउंडनट सनफ्लावर बीन में देखने को मिलेगा। ये अगर इंडोस्पर्म बचा हुआ जो नॉट कम्प्लीटली कंज्यूम होता है डेवलप होगा, यानी वाइट मीजा बेयरली क्लस्टर और कोकोनट इसका एग्जांपल हमें देखने को मिलेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट, अगर फ्रूट की क्लासिफिकेशन करें तो फ्लेसी होगा तो गावा ऑरेंज मैंगो, ड्राई होगा तो ग्राउंडनट मस्टर्ड होगा। अगर फॉल्स फ्रूट की बात करें तो दिस फ्रूट डेवलप अगर फ्रॉम अदर फ्लड पार्ट से हो रहा है, जैसे एप्पल स्ट्रॉबेरी कैश्यू डेवलप, कहाँ से हो रहा है तो थैलमस से हो रहा है, तो इसे फॉल्स फ्रूट कहें। ट्रू फ्रूट का मतलब होता है कि फ्रूट अगर डेवलप ओनली फ्रॉम ओवरी से हो रहा है तब इसे हम क्या कहेंगे, ट्रू फ्रूट कहते हैं। यहाँ पे देखो रोमिनेंट ऑफ नेसलस आर आल्सो प्रिसिस्टेंट इन सम सीड इज कॉल्ड, इसको पेरिस्पर्म कहेंगे, जो ब्लैक पेपर बीट में देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट ये कहता है कि द वाल ऑफ द ओवरी का वाल डेवलप्स ए वाल ऑफ फ्रूट जिसे पेरिकार्प कहेंगे। अगला पॉइंट इंटीजमेंट्स ऑफ ए ओव्यूल हार्डेड एज थ्रू द प्रोटेक्टिव जो सीड कोट होगा द माइक्रोपोल रिमेन एज ए स्मॉल पोर होगा इन द सीड कोट द फैसिलिटेट्स एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड ड्यूरिंग द इसे जर्मिनेशन जर्मिनियम कहेंगे। आइए डायग्राम को देखें, ये कैटेलिडोन है, ये ऊपर वाले माइक्रोपोल है, ये सीड कोट है कुछ, ये आपको क्या है इंडोसोप है, इसके बाद कैटेलिडोन देखने को, ये हाइपोकैटल रूट एक्सिस हो जाता है, ये सूटेपिकल में रूट टिप होगा, सीड कोट कैटेलिडोन यहाँ पे हो सूटेपिकल में, ये हाइपोकैटल रूट एक्सिस रूट टिप इंडोस्पर्म नीचे में होगा, यहाँ वाला ये पेरिकार्प इंडोस्पर्म एस्क्यूटलम ये बीच वाला आपको कहेंगे, ये क्लोपिटल होगा प्लूमल रेडियल और क्लोरिजा आपको रेडिकल की ओर होगा, क्लोपिटल आपको प्लूमल की ओर सीड में हमें देखने को मिलता है। आइए अब हम फिर कुछ एडवांटेज सीड ऑफ एंजियोस्पर्म के बारे में देखें तो सिंस रिप्रोडक्टिव पैरासिस सच एज पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट होता है वाटर सीड फॉर्मेशन मोर डिपेंडेबल। सीड है बेटर एडेप्टेशन है स्ट्रेटजी फॉर डिस्पर्सल टू न्यू हैबिटेट्स एंड हेल्प द स्पीसीज ऑन द हार्ड सीड कोट को प्रोवाइड्स करते हैं प्रोटेक्शन टू द आपको यंग एम्ब्रियो बीइंग प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे जनरेट करेगा न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग्स टू द वेरिएशन। अगर मैट को मैक्सिमाइज करना है तो ऑल्डेस्ट जो विवियल सीड है ऑफ लुपिन लैपिनस आर्किटक्स
excavated from architect Tundra, the seed you have germinated and कैत हावर आफ्टर द एस्टिमेटेड रिकॉर्ड जो है 10,000 ईयर डोमिनेंसी देखने को मिला था। इसके बाद रिसेंट रिकॉर्ड में 2,000 ईयर ओल्ड में वीवल सीड जो है डेड प्लम का फेनिक्स का डैक्टिलिफेरा का डिस्कवर हुआ था ड्यूरिंग द आर्कियो लोगों ने एक जो किंग हॉब्स प्लेस पे थे नियर द डेड सी जो पैरासाइट स्पीसीज है और बैंकी एन एस इसको याद कर ही लेना ठीक है एग्जाम में आएगा। आइए इम्पोर्टेंट एक सिंपल सा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट यानी डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट अनफर्टिलाइज फ्लावर से आ रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन दैट इज यानी रिजल्टिंग द सीडलिंग्स फ्रूट होगा तो इसमें मैचुअली सर्टेन वेराइटीज हमें देखने को मिलता है जैसे कि पेन एप्पल ग्रेप्स एप्पल पियर और बनाना में देखने को पार्थेनोकार्पी में भी आपको इंड्यूज होता है यानी बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्लांट्स ग्रोथ हार्मोन्स एंड टमाटो हमें देखने को मिलता है। थेलमस सीड एंडोस्पोर्म इसका मेजोकार्प थेलमस तो ये इसके ऊपर और स्ट्रॉबेरी देखी गया यहाँ पे इस फिल इन द ब्लैंक्स को देख लेना। अब इम्पोर्टेंट एपोमैक्सिस को देख लेते हैं। एपोमैक्सिस जो हमें देखता है इसका जो दो टाइप्स इट इज एक फॉर्म ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ये मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा यानी होगा भी तो मिमिक्स होगा राइट। एपोमैक्सिस जो है आपको कॉमन एस्ट्रेंस एंड ग्रास में एस्ट्रिक ग्रास में देखने को मिलता है जिसका जो मेथड है वो डिप्लॉयड एग एंड सेल फॉर्मेट करता है विदाउट डिडक्शन डिवीजन एंड डेवलप करता है क्या चीज इनटू द एम्ब्रियो जो विदाउट क्या होगा फर्टिलाइजेशन का होता है। और इसके अलावा जो हाइब्रिड प्लांट डेवलप होता है इन दिस मेथड मेंटेन द जेनेटिक आइडेंटिटी को मेंटेन रखने का काम करता है। अगर हम पोली एम्ब्रियोनी के बारे में बात करें अकेरेंस ऑफ ओव्यूल हैविंग मोर देन वन एम्ब्रियो होगा इन अ सीड इज रिफर टू एज ए पोली एम्ब्रियोनी कहलाता है यानी सम ऑफ द न्यूक्लियर सेल्स सराउंडिंग द एम्ब्रियो सेक स्टार्ट डिवाइडिंग प्रोट्यूड इनटू द एम्ब्रियो सेक से डेवलपिंग द एम्ब्रियो इन सच स्पीसीज ओव्यूल कंटेन मेनी एम्ब्रियो एग्जांपल मैंगो और सिट्रस होता है यानी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द हाइब्रिड वैराइटीज ऑफ फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप देखने को मिले यानी हाइब्रिड सीड हैव टू बी क्या होगा तो प्रोड्यूज करेगा एवरी ईयर इफ द सीड कलेक्टेड होगा फ्रॉम हाइब्रिड्स एंड सुन आपको तो प्लांट्स में हमें देखने को मिलता है। अब बस बस खत्म हो जाएगा इन प्रोजिनी वॉल से जो भी आपको सेग्रीगेट होगा एंड डू नॉट मेंटेन हाइब्रिड। अभी तक जितना शुरू से अंत तक आपने देखा है इसके लिए आपको थैंक्स। और चलिए अगला ये पॉइंट प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड जो है ये कॉस्टली एंड हेंस द कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड सीड होगा जो बिकॉम टू क्या होगा एक्सपेंसिव फॉर द फार्मर्स यानी अगर हम बात करें इफ दीज हाइब्रिड का जो आर मेड इनटू एपोमेसिस होगा जो दियर इज आपको क्या होगा नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स इन द हाइब्रिड प्रोजनी एंड देन द फार्मर कैन कीप ऑन यूजिंग द हाइब्रिड सीड होगा जो टू राइज अ न्यू क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर एंड शी डज नॉट हैव टू बाय हाइब्रिड सीड एवरी ईयर हमें क्या होगा तो देखने को मिलता है। ये फिल इन द ब्लैंक्स करना और देखो कुछ क्वेश्चन है नीट के लिए एग्जाम्स व्यू से सॉल्व करना नहीं होगा उसे आंसर देखना और इसे 100% याद कर लेना क्वेश्चन को अगर नहीं बने तो क्योंकि यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन देखते चलो PDF इसको रोक रोक करके क्या करना है आपको बनाना है। तो ये 8 नंबर हो गया 9 नंबर हो गया 10 नंबर 11 नंबर 12 नंबर 13 नंबर 14 नंबर 15 नंबर 16 17 18 19 नंबर 21 नंबर इसके बाद आ जाओ 23 नंबर 24 नंबर 25 नंबर 26 नंबर 27 नंबर 28 नंबर 29 नंबर 30 नंबर इमेज बेस्ड क्वेश्चन अब देखने लगो देखो इमेज बेस्ड क्वेश्चन ये सब करो ये होगा ये होगा
फाइव ईयर नीट का क्वेश्चन हो गया, इसको भी सॉल्व कर लेना है। फर्टिलाइजेशन से सीड से, चलो अब हम इसको आंसर भी दे देता हूँ। इस आंसर का पीडीएफ ले लो बाद में अपना, ठीक है। और जो नहीं बने उसे सोल्यूशन देख लेना, ठीक है। तो चलिए, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। वीडियो देखने मिलते हैं अगले से।